स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है? ए 21 जून, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। आंसर डी 8 मार्च। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न। साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? ए साहित्य महोत्सव, बी कथोत्सव, सी साहित्योत्सव, डी काव्योत्सव। आंसर सी साहित्योत्सव। एक्सप्लेनेशन: साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्य जगत के 1100 से अधिक लेखक और विद्वान भाग लेंगे। इसके अलावा 175 भाषाओं के भाषाविद कार्यक्रम में अपनी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? ए राज्यवर्धन सिंह राठौर, बी सुधा मूर्ति, सी अजय सिन्हा, डी उदय कोटक। आंसर बी सुधा मूर्ति। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधु को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए जैसलमेर, बी अल्मोड़ा, सी उधमपुर, डी श्रीनगर। आंसर ए जैसलमेर। एक्सप्लेनेशन: भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न। सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए यूएई, बी ब्राजील, सी स्वीडन, डी अल्बानिया। आंसर सी स्वीडन। एक्सप्लेनेशन: यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसअटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने इस बात की घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी बैंक इंडोनेशिया, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर बी बैंक इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया BI ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया के उपयोग को द्विपक्षीय रूप से बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा? ए लक्ष्य सेन, बी कुंडलभूत विटिटसान, सी चिराग शेट्टी, डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। आंसर ए लक्ष्य सेन। एक्सप्लेनेशन: दुनिया के 19वें नंबर के भारतीय शटलर खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सनसनीखेज वापसी करते हुए 8 मार्च 2024 को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लो की न्यू को हराकर टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अगला प्रश्न। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? ए जर्मनी, बी रूस, सी USA, डी फ्रांस। आंसर सी USA। एक्सप्लेनेशन: भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमरीकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। ये संयुक्त अभ्यास 9-10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? ए केन्या, बी अर्जेंटीना, सी चिली, डी पनामा। आंसर डी पनामा। एक्सप्लेनेशन: सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है। पनामा ISA का 97वां सदस्य देश बना है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? ए अनुराग ठाकुर, बी अश्विनी वैष्णव, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। आंसर बी अश्विनी वैष्णव। एक्सप्लेनेशन:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया। नीति फॉर स्टेट्स एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि शिक्षा ऊर्जा स्वास्थ्य आजीविका और कौशल विनिर्माण सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पर्यटन शहरी जल संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश रणनीति सहित 10 क्षेत्रों के ज्ञान उत्पाद शामिल हैं। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला? ए खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। बी स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के सफल कार्यान्वयन के लिए। डी जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए। आंसर ए खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। एक्सप्लेनेशन भारत को 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को ये पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। वाशिंगटन DC स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन 9 मार्च से 23 मार्च तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बी राष्ट्रीय पोषण संस्थान। सी नीति आयोग। डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आंसर डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। पोषण भी पाए भी पोषण और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित आहार प्रथाएं इन आयोजनों का विषय होंगी। इनमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाजरा और पोषण वाटिकाओं को प्रोत्साहित करके सतत खाद्य प्रणालियों को लागू करना और मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण को बढ़ाना शामिल है। अगला प्रश्न पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? ए जम्मू और कश्मीर। बी राजस्थान। सी मध्य प्रदेश। डी दिल्ली। आंसर ए जम्मू और कश्मीर। एक्सप्लेनेशन मवेशी तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी पकड़ना है। अगला प्रश्न दूरसंचार विभाग 20 मई को कितने बैंड की नीलामी करेगा? A5 B6 C7 D8 आंसर D8। एक्सप्लेनेशन दूरसंचार विभाग 20 मई को 8 बैंड की नीलामी करेगा। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 96,317.65 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। फरवरी में केंद्रीय कैबिनेट ने इन नीलामियों को मंजूरी दी थी। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी में रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम खरीदने की इच्छुक कंपनियां 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। कुल 10,523.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? ए महाराष्ट्र। बी केरल। सी कर्नाटक। डी तमिलनाडु। आंसर सी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया। ये भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र केंद्र होगा। ये केंद्र उद्योग अकादमिक नेटवर्क स्थापित करने और तकनीकी रुझानों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 मार्च। बी 12 मार्च। सी 15 मार्च। डी 20 मार्च। आंसर ए 10 मार्च। एक्सप्लेनेशन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। CISF भारत की औद्योगिक संपत्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? ए अमेरिकन फिक्शन। बी ओपेनहाइमर। सी बाबी। डी आप कैसे रहते हैं। आंसर बी ओपेनहाइमर। एक्सप्लेनेशन 3 घंटे की सीरियस बायोपिक हॉलीवुड मूवी ओपेनहाइमर ने पहले तो बॉक्स ऑफिस पर अप्रत्याशित रूप से अरबों डॉलर की कमाई की। अब वह 7 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई। इस मूवी ने बेस्ट मूवी बेस्ट निर्देशन और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड जीता।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी सिलियन मफी को मिली। अगला प्रश्न, 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? ए यांग पोहवान और ली जे ह्यूई, बी केंटो मोमोता और हिरोयुकी एंडो, सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, डी केविन संजय सुकामलजो और मार्कस फर्नाल्डी गिदोन। आंसर, सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 10 मार्च 2024 को पेरिस में चीनी ताइपे के ली जे ह्यूई और यांग पोहुआन की जोड़ी को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-11, 21-17 से हराकर सीजन का पहला खिताब और अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है। इस भारतीय जोड़ी ने इससे पहले 2022 में इस खिताब को जीता था। अगला प्रश्न, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजिकोवा किस देश की है? ए लेबनन, बी फिनलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी चेक रिपब्लिक। आंसर, डी चेक रिपब्लिक। एक्सप्लेनेशन, 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजिकोवा 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी, वही लेबनन की यास्मीना फर्स्ट रनअप रही। इस पेजेंट में 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनसिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। अगला प्रश्न, 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए नीता अम्बानी, बी माधुरी दीक्षित नेने, सी स्मृति ईरानी, डी जया बच्चन। आंसर, ए नीता अम्बानी। एक्सप्लेनेशन, 71वें मिस वर्ल्ड फिनाले में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अम्बानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीता को ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। नीता अम्बानी को ये पुरस्कार उनके परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य क्या था? ए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। बी पड़ोसी देशों के सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना। सी विशिष्ट देशों से आप्रवासन को प्रतिबंधित करना। डी भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना। आंसर, ए। एक्सप्लेनेशन, 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के कार्यान्वयन के संबंध में एक घोषणा की। यह विकास विवादास्पद कानून के शुरू में पारित होने के 4 साल बाद आया है और इसका भारत में प्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। अगला प्रश्न, अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया? ए नासा, बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डी स्पेसएक्स। आंसर, सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO। एक्सप्लेनेशन, 11 मार्च 2024 को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र नामक परियोजना के तहत अपनी स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह उन्नत मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लैस है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है तथा यह 1 टन से अधिक वजन का परमाणु हथियार ले जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 1 मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया? ए चित्रा, बी गामिनी, सी लैला, डी गौरी। आंसर, बी गामिनी। एक्सप्लेनेशन, मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने 10 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही देश में अब कुल 26 चीते हो गए हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए अतुल प्रधान, बी भूपेंद्र यादव, सी बंदारू दत्तात्रेय, डी नायब सैनी। आंसर, डी नायब सैनी। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया है। मंगलवार को मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ए गुजरात, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर, ए गुजरात। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया।
पीएम मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? ए. भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम। बी. अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। सी. भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार। डी. स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। आंसर डी. स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। एक्सप्लेनेशन 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अभ्यास ने आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना, नौसेना और वायुसेना की एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न, फ्लाई 91 क्या है? ए. एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। बी. एक प्रकार का पक्षी। सी. एक काल्पनिक सुपरहीरो। डी. एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। आंसर ए. एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। एक्सप्लेनेशन 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MOPA और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। अगला प्रश्न, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? ए. ईरान। बी. पाकिस्तान। सी. भारत। डी. चीन। आंसर सी. भारत। एक्सप्लेनेशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सिपरी स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहां रखी? ए. उत्तर प्रदेश। बी. गुजरात। सी. पंजाब। डी. राजस्थान। आंसर बी. गुजरात। एक्सप्लेनेशन पीएम मोदी ने धोलेरा गुजरात में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉप की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी। ये भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल है। धोलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेपर स्टॉक प्रति माह होगी। अगला प्रश्न, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. तमिलनाडु। बी. गुजरात। सी. हरियाणा। डी. हिमाचल प्रदेश। आंसर बी. गुजरात। एक्सप्लेनेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हसनपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। ये रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट GRI के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ए. मार्च का पहला सोमवार। बी. मार्च का दूसरा गुरुवार। सी. मार्च में एक यादृच्छिक दिन। डी. मार्च का आखिरी शुक्रवार। आंसर डी. मार्च का दूसरा गुरुवार। एक्सप्लेनेशन लोगों में किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च 2024 का विषय है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का उद्देश्य क्या है? ए. सैन्य परिवहन। बी. समुद्री निगरानी। सी. माल परिवहन। डी. यात्री परिवहन। आंसर ए. सैन्य परिवहन। एक्सप्लेनेशन रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH और भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्री उद्देश्यों के लिए 9 ALH प्राप्त करने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। अगला प्रश्न, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ए. सुखबीर संधु। बी. ज्ञानेश कुमार। सी. राजीव सिन्हा। डी. ए. और बी. दोनों। आंसर डी. ए. और बी. दोनों।
एक्सप्लेनेशन। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाहों सुखबीर सिंह संधु और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी। अगला प्रश्न, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। आंसर सी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ए त्रिपुरा, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर डी अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ये सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। सेला सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? ए राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान, बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव, सी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन, डी सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश। आंसर बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। एक्सप्लेनेशन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट सौंपी। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्राथमिक लाभ चुनाव कराने की लागत में कमी होगी और प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ए 75, बी 78, सी 125, डी 134। आंसर डी 134। एक्सप्लेनेशन, मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत के पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर हैं। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए वी डेम संस्थान, बी UNDP, सी नीति आयोग, डी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आंसर ए वी डेम संस्थान। एक्सप्लेनेशन, वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मेट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वी डेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टाफेन लिंडेबर्ग द्वारा की गई थी। स्टाफेन लिंडेबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? A80, B90, C99, D102। आंसर D102। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर PM नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ए विदर्भ, बी बिहार, सी मुंबई, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी मुंबई। एक्सप्लेनेशन, मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं।